डेढ़ कप बेसन ले लेंगे और इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो गोले हैं फुटकियाँ हैं वो सब क्लियर हो जाए। अब बेसन के अंदर हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च डाल देंगे, एक टी स्पून चाट मसाला। अब इसमें हसबे जरूरत पानी आपने डालना है, इसको ना ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ज़्यादा पतला करना है, ठीक है, ये आप देखते जाएं। और इसको अच्छी तरह आपने इस तरह मिक्स करते जाना साथ साथ। साथ साथ आपने इसमें पानी ऐड करते जाना है अपने मिक्सचर के हिसाब से कि आपने इसको कितना थिक करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप हमारा मिक्सचर कितना गाढ़ा तैयार हुआ है, ठीक है। इसमें तकरीबन हमारे हिसाब से एक गिलास पानी डला है, ठीक है। अब आपने बेसन अगर ज़्यादा लेना है या कम लेना है आपने उसके हिसाब से पानी की क्वांटिटी रखनी है। अब हम पालक के पत्ते फ्राई कर लेंगे, सेम बेसन के महलूल में हम पालक के पत्ते डिप करेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से लेप करके इसको भी पैन में फ्राई कर लेंगे। याद रहे आपने फ्लेम को ना मीडियम टू लो पे ही रखना है, आपने उसको छेड़ना नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वरना आपका बेसन जल जाएगा और चीज़ें सही नहीं फ्राई होंगी। पालक के पत्ते भी तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको भी निकाल लेंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारे पालक के पत्ते भी फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और करारे होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं।